अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना जुनेश शेख और आप लोगों को खुशामदीदा मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अर्निंग एंड जॉब्स अपडेट पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे मैं आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों की जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल का ओवरव्यू करें तो आपको सामने स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा हो कि इसमें मैंने जितनी भी वीडियोज़ अपलोड की हैं या जितनी भी वीडियोज़ बनाई हैं वो सारी की सारी ऑनलाइन अर्निंग के बारे में है, जॉब्स के बारे में है। इसके अलावा हमारे पास टेक की वीडियोस हैं, एडिटिंग की वीडियोस हैं, आपके सामने नज़र भी आ रहा होगा। तो अगर आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देखें ना, तो उसमें मैंने बताया कि बैंक ऑफ पंजाब में नौकरियां आई थी जहां पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई बैंक फीस नहीं होगी, कोई किसी भी किस्म का जो है ना वो झंझट नहीं होगा। आपने सिंपली जाना और जाके वहाँ पर अप्लाई कर देना। कंप्लीट डिटेल के साथ मैंने वीडियो अपलोड की अपने चैनल पे, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक भी देख सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर चैनल पे जाके आप वीडियो को भी देख सकते हैं। यार प्लेलिस्ट के बारे में बताना है का मकसद ये होता है कि लोगों को पता चल जाए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो सो इसी वजह से हम लोग बताते हैं। सो हमारे पास आज जो आई है अपनी उसको क्या कहते हैं एट या एडवर्टाइजमेंट या जॉब जो भी आई है, तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे। हमारे पास एक्साइज ऑफिस नहीं होता जिसमें ये गाड़ियों वगैरह के टैक्सीज और टोकन्स लगते हैं, वहाँ पे जॉब्स आई हैं ऑल ओवर पंजाब से जॉब्स हैं। आप लोग किसी भी पंजाब में रहते हैं, किसी भी कोने में रह रहे हैं, किसी भी सिटी में रह रहे हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें जो है ना वो सिर्फ फ़ीस होगी आपकी, अप्लाई फीस जो PPSC वाले लेंगे, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये जो जॉब्स आई हैं ये परमानेंट जॉब्स हैं। इसमें जो है ना वो आपको पे अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी खासी मिल जाती है, 60+ 70+ जॉब यानी कि इसमें मिलती है आपको सैलरी। तो डिटेल के साथ आज इसको देखेंगे कि हम लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो सबसे पहले आप लोगों ने गूगल क्रोम पे आ जाना, यहाँ पे लिखना है एक्साइज एंड टैक्सेस जॉब्स। तो ये हमारे पास लेटेस्ट जॉब है, ये 4 दिन पहले की जॉब है। इसमें जो है ना वो ये आप लोगों के सामने है लेटेस्ट ही है, इसमें कोई जो है ना वो दूसरा नहीं है। PPSC की तरफ से जॉब है 2024। तो अप्लाई करना कैसे है, तो सिंपली ये हमारे पास अप्लाई ऑन का बटन है, इस पर आप लोगों ने राइट क्लिक करना और ओपन न्यू टैब कर लेना, या इसी पे डबल क्लिक करके आप लोग ऑन कर सकते हैं। सो ये हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है, nearjobs.pk पे ये जॉब आई है। तो इसमें हमारे पास जो जॉब आई है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, पोस्ट हुई है हमारे पास 6 जून 2024। यहाँ पे इन लोगों से गलत हो गया, यहाँ पे 6 जून आना था, जुलाई लिखते हैं, ये वाली मिस्टेक है इन लोगों की। ये देखें ये 6 जून बाई एडमिट जब हुई है पोस्ट। चलिए खैर जो भी है हमारे पास, अब भी हम लोग देख सकते हैं हमारे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ना वो हमारे पास उन्होंने बताई है, बैचलर डिग्री यानी कि BA कम्प्लीट होना चाहिए, 16 जमातें पढ़ा होना चाहिए, डोमिसाइल एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रीवियस ऑफ पंजाब यानी कि प्रोविंस यानी कि पंजाब में वो कहीं पे भी रहता हो और डोमिसाइल उसका पंजाब का हो, किसी भी एरिया का हो। एज लिमिट 25 से 35 साल बताई है। जेंडर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और फुल टाइम जॉब होगी आपकी एम्प्लॉयमेंट की, पोस्ट ऑफ डेट जो है ना वो 6 जून को ही है और 26 जून जो है ना वो इसकी लास्ट डेट है। और डिस्क्रिप्शन अभी हम लोग स्टडी करेंगे और इसमें हम लोग प्रॉपर डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि हम लोगों ने क्या करना है वो सारा कुछ। सबसे मेन चीज़ जो है ना वो हमारा अप्लाई का तरीका कि हम लोगों ने अप्लाई कैसे करना। प्लीज रीड द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन रीडिंग एप्लीकेशन फ़ी रिटन टेस्ट इंटरव्यू ऑन PPSC वेबसाइट www.ppscjobs.pk पे आप लोगों ने अप्लाई करना। ऑनलाइन अप्लाई होगा, इसका फिजिकल अप्लाई नहीं होगा। एम्प्लॉय ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ऑफ सेमी गवर्नमेंट एंड ऑटोमेट बॉडीज कंडीशन पीरियड ऑफ द इन दिस केक एंड मिस क्वालिफिकेशन। और वो कह रहे हैं कि अगर इस दौरान उसकी कोई भी किसी भी किस्म की डिग्री
अगर हम लोग तीसरे नंबर पे देखें तो वो कह रहे हैं कि जो भी हमारी क्वालिफिकेशन होगी वो HEC रजिस्टर होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप लोकल कहीं से लेके आ जाएं तो खुद से बना लें तो वो काम नहीं होगा, इशू आ जाएगा। ये हायर बाय दी हायर एजुकेशन कमीशन से, यानी कि आपके पास जो भी डिग्री होगी वो हायर एजुकेशन कमीशन से रजिस्टर्ड हो। नहीं तो इसके अलावा आप पे जो है ना वो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है इस मद में, अगर आप उनके साथ किसी भी किस्म का स्कैम करेंगे। और इसमें आप जो है ना वो अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो भी ऐड कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर से हो या गवर्नमेंट। आप रजिस्ट्रेशन जब भी आपका इंटरव्यू या टेस्ट होगा तब आप लोगों ने देना है। सो श्योर दी हैव ऑब्टेन इन, कि वो कह रहे हैं कि जो शॉर्ट लिस्टेड नंबर 5 पे अगर हम लोग इस चीज़ को पढ़े तो वो कह रहे हैं कि जब आप टेस्ट इंटरव्यू दे दें, टेस्ट हो जाएगा, फिर आपको जो है ना वो इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे NOC और DPC डिपार्टमेंट से जो भी लोग आएंगे। पोस्ट ऑफ दी, फिर इसके नीचे आपकी जो है ना वो 7वें नंबर पे उन्होंने CGP का बताया हुआ है कि जो आपकी CGP होगी वो इंटरव्यू के टाइम देखी जाएगी, मार्क्स ऑब्टेन टोटल और परसेंटेज सर्टिफिकेट ऑफ ऑल डिग्रीज इशू बाय दी कंटेंट। यानी कि आपका जब भी आप लोगों ने इंटरव्यू देने जाना ना उधर, तो आपने अपनी सारी की ओवरऑल रजिस्टर जो है ना वो अपने पास लेके जाने हैं, यानी कि जो भी आपके पास डिग्रीज होंगी और ओरिजिनल लेके जानी, कॉपीज वहाँ पे नहीं चलती। आप लोगों को भी पता है और मुझे भी। नो इंफॉर्मेशन वट एवर शुड बी द शॉर्ट हैंड टेस्ट एंड टाइपिंग ऑफ प्रीवियस टेस्ट इज रिक्वायर्ड ओनली होल्ड बी लाहौर। यानी कि ये मेन चीज़ है जिसकी वजह से लोग छोड़ देते हैं कि आपका जो टेस्ट है ना वो लाहौर में होना है, इधर यानी कि फैसलाबाद या किसी और सिटी में नहीं होना। फिर उन्होंने बोला है कि आप लोग जो है ना वो अप्लाई जब करना है तो आप लोग एडवाइज टू डिपॉजिट ऑनलाइन बाय दी फॉलोइंग मेड, ऑनलाइन ATM, मोबाइल फ़ोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग ओवर दी काउंटर। यानी कि आप वहाँ पे भी बैंक में भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा एंड माइक्रो फाइनेंस बैंक के। आप लोग जो है ना वो इजी पैसा जैज़ कैश की भी सहूलत उन लोगों ने इधर दिया है, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे हम लोग थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं कि हमारे पास जो है एडिशनल डायरेक्शन ऑफ पंजाब में जो है ना वो आल, इसमें जो हमारे पास मेन चीज़ हम लोगों ने देखनी है वो फैसलाबाद है। फैसलाबाद में 8 आइयाँ और एक हुआ, तो टोटल 9 हमारे पास जो है ना वो जॉब्स हैं ओपन मेरिट पे, यानी कि सीट्स पड़ी हुई हैं। आप लोग फैसलाबाद वाले अप्लाई कर सकते हैं। लाहौर में 3 हैं, लाहौर में इधर 20 हैं ओवरऑल, 31 जो है ना वो टोटल है। तो आप लोग अगर फैसलाबाद से हैं तो फैसलाबाद में 9 आई हैं, यानी कि फैसलाबाद, जंग, टोबा, टेक सिंह एंड चिन्यौट में 3-4 जगहों पे हैं। तो सिर्फ सिर्फ 9 जो है ना वो इसमें एडवर्टाइज यानी कि सीट्स हैं, आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई का तरीका मैं भी आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। हमारे पास PPSC की जो है ना वो दूसरी जॉब है, सबसे पहले हम लोगों ने इधर आ जाना, ऑनलाइन पे हम लोगों ने क्लिक कर देना। जैसे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो हम लोगों ने यहाँ से देखना है कि हम लोगों ने अप्लाई किस चीज़ पे करना है। असिस्टेंट डायरेक्टर अक्षय टॉक से इस पे हम लोगों ने अप्लाई करना है। ये देखें, 6 जून को ये आई थी और 26 जून इसकी लास्ट डेट है। आप लोगों ने सिंपली इस पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तो आप लोगों ने वो इन्फॉर्मेशन देनी है। ये देखेंगे आप लोगों के सामने है सारा कुछ। क्लिक दी व्यू क्वालिफिकेशन सीट्स, यानी कि आप इस सीट्स के लिए एलिजिबल भी हैं कि नहीं, आप लोगों ने यहाँ पे जाके देख लेना। अगर मैं आपको बताने लग गया तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इस वजह से जो है ना वो आप लोग खुद ही इस चीज़ को देख लीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर तरीका होता है कि हम लोगों ने आपको बताना होता है। नेक्स्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो हम लोग नहीं दे सकते। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद ही होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।